हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइव। तो आज हम लोग क्लास टेंथ स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर किताब से चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के बारे में पढ़ेंगे। तो यह एक सच्ची बायोग्राफी है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर है एनी फ्रैंक, द ऑथर ऑफ द डायरी, यानी कि डायरी जो लिख रही है उनकी लेखक है ये। एनी वॉज बॉर्न ऑन June 12, 1929 इन फ्रैंकफर्ट। एनी का जन्म 12 जून 1929 में फ्रैंकफर्ट में हुआ। एनी का डेथ March 1945 में हो गया, यानी कि एनी ओनली 15 ईयर्स ही जीवित रहीं। ऑन हर 13th बर्थडे सी रिसीव्स ए डायरी, उनके 13वें जन्मदिन पर उनको एक डायरी मिली। सी रोट हर 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑन हिज डायरी, तो 2 सालों का जो एक्सपीरियंस था वह इस डायरी में लिखा गया। तो इस बायोग्राफी में हम लोग उस डायरी में क्या क्या लिखा गया है वही हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड कैरेक्टर है मार्गोट फ्रेंड, जो कि एनिस की ओल्डर सिस्टर है। मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन 1926। मार्गोट का जन्म फ्रैंकफर्ट में 1926 में हुआ। इसके बाद आगे है ऑटो फ्रैंक, जो कि एनी की फादर है। ही वॉज बॉर्न ऑन 12 मई 1889। 12 मई 1889 को एनी के फादर का जन्म हुआ। इसके बाद आगे है एडिथ फ्रैंक, जो कि एनिस की मदर है और वह ओटो के साथ शादी की थी 1925 में। तो इन सारे कैरेक्टर्स को पहले आप लोग ध्यान में रखें। और एक और कैरेक्टर्स है जो कि मिस्टर केसिंग है। तो मिस्टर केसिंग एनी के मैथ्स टीचर थे। तो ये सारे कैरेक्टर स्केच हो गए। तो चलिए अब हम चैप्टर्स को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है एनी फ्रैंक लिव्ड इन हॉलैंड आफ्टर हिटलर इन्वेडेड। हिटलर के आक्रमण के बाद एनी फ्रैंक हॉलैंड में रहती थी। इसके बाद सेकेंड है दे लिव्ड इन हाइडिंग फॉर मैनी ईयर्स टू सर्वाइव। जीवित रहने के लिए वे कई वर्षों तक छिपते रहे। नेक्स्ट है हिज फादर एंड मदर लेफ्ट हर एंड हर सिस्टर टू हर ग्रैंड मा। उनके पिता और उनकी माँ ने उन्हें और उनकी बहन को उनकी दादी के पास छोड़ दिया था, यानी कि एनी को और मॉर्गट को, इन दोनों को उनकी दादी के पास उनके माता पिता ने छोड़ दिया था। नेक्स्ट आगे है सी वॉज गिफ्टेड ए डायरी ऑन हर 13th बर्थडे। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे शुरू में ही पढ़ा कि उनके 13वें जन्मदिन पर उनको गिफ्ट में एक डायरी मिला। इसके बाद नेक्स्ट है सी नेम्ड इट किटी एंड मेड इट हर बेस्ट फ्रेंड इन हर लॉनलीनेस। उसने उस डायरी का नाम किटी रखा और इसे अपने अकेलेपन में सबसे अच्छा दोस्त भी बनाया। नेक्स्ट आगे के पॉइंट्स को अब हम देखते हैं। सी रोट एवरी प्रॉब्लम एंड हैपनिंग्स इन हर डायरी। उसने अपनी डायरी में हर समस्या और घटनाओं को लिखा। नेक्स्ट पॉइंट आगे हम देखते हैं। सी वॉज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंड मा आफ्टर हर डेथ। सी फेल्ट वेरी मच एलोन। वह अपनी दादी के बहुत करीब थी। उनकी मृत्यु के बाद वह बहुत अकेला महसूस करती थी। नेक्स्ट है सी वॉज लवेबल ऑफ एवरी टीचर एक्सेप्ट मिस्टर केसिंग हु टॉट्स मैथ। मिस्टर केसिंग जो कि मैथ्स पढ़ाते थे, सिर्फ उनको छोड़कर बाकी सभी टीचर्स को एनी पसंद करती थी। उनके यहाँ करीब 9 टीचर थे, तो सिर्फ केसिंग को वो पसंद नहीं करती थी, बाकी सभी टीचर को वहाँ पे वो चाहती थी। आगे है मिस्टर केसिंग गॉट एनॉयड विथ हर टॉकेटिव नेचर। मिस्टर केसिंग एनी के बातूनी स्वभाव से नाराज थे, क्योंकि एनी बहुत ज़्यादा बोलती थी। एनी का यह स्वभाव उनकी माँ के वजह से था, क्योंकि उनकी माँ को भी बोलने का आदत था। इस वजह से यह गुण एनी में भी आ गया था, तो एनी भी बहुत ज़्यादा बोलती थी। नेक्स्ट आगे है ही पनिश्ड हर बाई गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क मैनी अ टाइम्स। उसने कई बार उसे अतिरिक्त होमवर्क देकर सजा दी। नेक्स्ट आगे के पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। हर ऐसे इनवर्स फॉर्म ऑन टॉपिक क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ह्यूमिलेटेड मिस्टर केसिंग। यह लाइन तो देखने में बहुत सा छोटा है, लेकिन यह बहुत बड़ा मीनिंग यहाँ पे निकालता है। मिस्टर केसिंग ने एनी को सजा के तौर पर 3 निबंध लिखने के लिए दिए थे। पहला था चैटर बॉक्स, इसका मतलब होता है गप करने वाला, यानी कि ज़्यादा बोलने वाला। सेकेंड था
एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, इसका मतलब है बेवजह बकबक करने वाला, और थर्ड था क्वैक क्वैक क्वैक, जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो जब यह थर्ड ऐसे एनी को दिया गया तो यह ऐसे सुनते ही क्लास के सभी लोग हंसने लगे और एनी भी हंसने लगी, क्योंकि एनी बहुत ज़्यादा बोलती थी। तो उसे समझ में आ गया कि मिस्टर केसिंग उसका मजाक बनाना चाहते हैं, लेकिन एनी ने भी सोचा कि वह मिस्टर केसिंग का मजाक बनाएगी, इसलिए उसने अपनी दोस्त की सहायता से एक पोइट्री लिखी क्वैक पर। उस पोइट्री में लिखा हुआ था, एक मदर और एक फादर बतख के तीन छोटे डकलिंग बच्चे होते हैं जिसे उसके फादर ही मार देते हैं क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बोलते थे। यह कविता सुनकर मिस्टर केसिंग जोक्स को सीरियसली में ले लिए। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट फिर दिया गया है, ही अलाउड हर टू टॉक एंड रिलीव्ड हर फॉर्म एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। जब मिस्टर केसिंग को वह कविता सुन के एहसास हुआ कि वे गलत कर रहे हैं, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, तो उसने उसे बात करने की अब अनुमति दी और किसी भी अतिरिक्त काम से उनको छुटकारा दे दिया, उनको अब होमवर्क नहीं देने लगे। तो इस तरह से यहाँ पे उन्होंने इस डायरी में ये कुछ जो था वो लिखा था। तो ये चैप्टर जो होता है यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के भी चैप्टर्स को इसी तरह से समझेंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।